सुप्रभात बच्चों, आप कौन से गांव में रहते हो बेटा? कौन कौन से गांव में रहते हैं? देखिए मुझे पता है आप सब जो लोग हैं वो गांवों में रहते हैं, है ना? तो गांव का जो वातावरण है, गांव का जो परिसर है, वो आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि गांव के घर कैसे होते हैं, गांव में जो लोग होते हैं वो कौन कौन सा व्यवसाय करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, है ना बेटा? पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, उसी प्रकार से स्कूल की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, यानी आप सारे जो बच्चे हैं गांव के होने के कारण सभी बातों से परिचित हैं। तो इसी तरह से देखिए, ये हो गया गांव के बारे में। तो अभी आप शहर गए हो बेटा, शहरों में गए हैं, जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती, ये क्या है, शहर है। तो किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ आप जरूर शहरों में गए होंगे। हर किसी एक बच्चे का कोई ना कोई रिश्तेदार शहर में जरूर होगा, है ना? तो देखिए, इसी प्रकार से आज हम गांव और शहर, तो गांव और शहर दोनों के बीच में किस प्रकार का अंतर है, यानी कौन कौन सी सुविधा गांव में होती है, कौन सी सुविधा शहरों में होती है, इसी के बारे में आज पेज नंबर 26 और 27 इसमें हमें एक पाठ दिया गया है और हमारे पाठ का ही नाम है गांव और शहर। गांव और शहर, तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 26 सभी ने निकालना है। निकाला बेटा पेज नंबर 26। देखिए यहाँ पर तो ऊपर देखिए क्या लिखा है, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति, यानी जो गांव है शहर है उनकी प्रगति होगी, उनका विकास होगा, तभी हमारा जो देश है उस देश का विकास होगा, है ना? तो यहाँ पर देखिए ये गांव का चित्र है। कौन सा चित्र है? ये गांव का चित्र है। देखिए गांव में ऐसा ही होता है ना, देखिए इस प्रकार के घर होते हैं, पेड़ होते हैं, महिलाएं आज भी कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हैं, जो हाथ पंप कहते हैं वहां उसी पर भी महिला पानी भरने के लिए जाती है। गांव में भी बेटा तीन तीन चार चार दिनों तक नल नहीं आते, तो इस प्रकार से पानी की जो समस्या है गांव में आज भी है। तो देखिए यहाँ पर समता विद्यालय, यहाँ पर एक स्कूल है और स्कूल का नाम क्या है, समता विद्यालय। उस स्कूल का नाम है, पाठशाला का नाम है समता विद्यालय। तो इस प्रकार से देखिए विद्यालय यहाँ पर है, पाठशाला है और यहाँ देखिए क्या है, शौचालय है। शौचालय की सुविधा जो है बच्चों के लिए की गई है। यहाँ पर देखिए जो स्कूल का मैदान है उस मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दिखाई दे रहे ना बेटा, देखो यहाँ पर। और बाकी जो बच्चे है पाठशाला में जा रहे हैं, देखिए एक दो तीन चार और पांच, पांच बच्चे हमें पाठशाला में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्या है यहाँ पर, कूड़ादान, क्या है रखा हुआ है, कूड़ादान रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो कूड़ा कचरा होता है वो यहाँ पर डाला जाता है कूड़ादान में। उसके बाद देखिए ये घर दिखाई दे रहे हैं, है ना? कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा ये घर, ईंट और पत्थर के जो घर है वो बनाए हुए हैं
और उसका जो छत है देखिए कैसा है, ऐसा उतरता छत है ना। तो ऐसे छत के घर कहाँ पर होते हैं ज्यादातर पता है आप लोगों को? हमारे यहाँ होते हैं क्या ऐसे घर? हम स्लैब डालते हैं घरों के ऊपर, नहीं तो टीन डालते हैं, और बारिश का पानी जाने के लिए थोड़ा सा उसको उतार बनाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर आसपास में होते हैं क्या ऐसे घर? नहीं होते। तो देखिए इस प्रकार के उतरते छत के घर कहाँ होते पता है आपको? जहां पर बारिश ज्यादा होती है, बारिश जहां पर ज्यादा होती है यानी कोकण किनार पट्टी, मुंबई सातारा रत्नागिरी ये जो कोकण है ना, वहां के जो घर होते हैं इस प्रकार के होते हैं। और दीवारें जो है पक्की बनी हुई है, ईंट और पत्थर से बनी हुई है। देखिए घरों पर दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, घरों के सामने बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, है ना बेटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बिजली की भी सुविधा है गांव में, गांव में बिजली आ गई है। देखिए ये बिजली लाइट के खंभे दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुआ दिखाई दे रहा है। क्या है? कुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुआ है और देखिए गांव की जो महिलाएं हैं वह कुएं पर पानी भरने के लिए आई हुई है। ये देखिए पानी भरकर वह घर पर जा रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए एक गांव में रहने वाला एक जो आदमी है वह साइकिल चला रहा है, साइकिल से जा रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर घर के सामने एक बैल बंधा हुआ है साइकिल। देखिए कैसा लिखते हैं साइकिल शब्द, बैल है, हुआ है, महिलाएं पानी भरकर जा रही है। देखिए यहाँ पर ये बच्चा चक्का चला रहा है, आप भी खेलते हो ना इसे, चक्का चलाते हो ना बेटा इसे? यस। तो देखिए ये जो बच्चा है देखिए कैसे लकड़ी से ढकेलते हुए चक्का चला रहा है। यहाँ पर देखिए ये दो महिलाएं हैं, ये जो एक महिला है बर्तन साफ कर रही है। यहाँ पर कपड़े सूखे हुए दिखाई दे रहे, सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मटकों में पानी है, मटके दिखाई दे रहे हैं बाहर। ये क्या है? बैलगाड़ी है ना। गाँव में जो छोटा किसान होता है बेटा, तो छोटे किसानों के पास इस प्रकार की बैलगाड़ी होती है और बैलगाड़ी की सहायता से वह खेती से जो माल तैयार होता है या खेती का कोई भी सामान हो, धन धान्य हो, अनाज हो, अनाज की बोरियां हो, वह इस बैलगाड़ी की सहायता से यानी बैलगाड़ी पर लादकर घर पर लाता है या मार्केट में भी लेकर जाता है। और जब किसान फसल बोता है तो फसल उसी समय में भी बैलगाड़ी का उपयोग होता है। जहाँ पर फोर व्हीलर नहीं जा सकती, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, उसी रास्ते से ये बैलगाड़ी आसानी से जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइड में ये बड़ा किसान है, बड़े किसान के पास ट्रैक्टर है रे। और आजकल देखिए खेती करने के जो औजार है, उपकरण है, अभी बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं। यांत्रिक उपकरण जिससे हम कहते हैं, यंत्रों की सहायता से बहुत सारा जो काम है अब खेती का होता है और यानी कम मेहनत लगती है। लेकिन ये कौन खरीद सकता है? यानी बड़ा किसान खरीद सकता है, छोटा किसान नहीं खरीद सकता बेटा, क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते, है ना। ये बैलगाड़ी दिखाई दे रही है उसके पास। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो महिलाएं हैं वो खटिया पर बैठी हुई है और दोनों माँ बेटी बैठी हुई है खटिया पर, बातें कर रही हैं मम्मी के साथ। और यहाँ पर देखिए एक जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही है? पापड़ बना रही है। ये मुर्गियां हैं, बकरियां भी होती है,
बकरियां यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गांव में बकरियां होती है ना, बकरियां होती है, गायें होती है, बैल, भैंस, मुर्गियां दिखाई दे रही है। देखिए मुर्गियां दिखाई दे रही है ना। और एक जो महिलाएं है, जो लड़की है उसने गोद में ली है, और जो बच्चा छोटा सा पैदल चल रहा है। देखिए ये चाचा जी सिर के ऊपर कुछ तो भी लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुत्ता दिखाई दे रहा है ना। यानी ये सारा जो दृश्य है वो कहाँ का है बेटा, गांव का दृश्य है, देहातों का दृश्य है ना। ठीक है। खटिया को चारपाई भी कहते हैं, जो खटिया मैंने बताई ना उसको चारपाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गांव का चित्र, गांव का चित्र हो गया। अभी देखिए हम शहर की ओर आते हैं। शहर का जो चित्र है उसको मैंने दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए पेज नंबर 27 पर, तो देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। कौन सी इमारत कहते हैं इसको, कौन सी इमारत कहते हैं बेटा? देखिए कितनी मंजिल है उस इमारत के, 1, 2, 3, 4 और भी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, शुद्ध हवा पानी का तंत्र, शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। अगर हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शरीर है वो कैसे अच्छा रहता है, स्वस्थ कैसे रहता है बेटा हमारा शरीर, निरोगी कैसे रहता है, जब हमारे शरीर को शुद्ध हवा और शुद्ध पानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी खाने से पहले शुद्ध हवा और पानी की बहुत जरूरत होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसीलिए शहरों में ये जो शुद्ध हवा और शुद्ध पानी की बहुत समस्या है। तो इस प्रकार से बहुमंजिल इमारत यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या है, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, स्वच्छ नगर, सुंदर नगर, और क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये सिग्नल है, लाइट है, देखिए यहाँ पर लाइट लगा हुआ है और ये सिग्नल है, यहाँ देखो है ना सिग्नल। आपको पता है कि शहरों में ट्रैफिक जो होती है वो ज़्यादा होती है, और शहरों में सिग्नल हमें दिखाई देते हैं, जगह जगह पर सिग्नल होते हैं। ये सिग्नल का काम क्या है बेटा, पता है आप लोगों को सिग्नल क्यों लगाए जाते हैं? अभी देखिए हमारे मलकापुर में सिग्नल है क्या, नहीं दिखाई देते सिग्नल, मतलब आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी भीड़ शहरों की तुलना में हमारे यहाँ कम है, इसलिए सिग्नल की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में लोगों की भीड़ ज्यादा होती है और सभी को अपने अपने घर पर या काम पर जाने की जल्दी होती है, लेकिन अगर सिग्नल नहीं रहा तो एक्सीडेंट, जो दुर्घटनाएं हैं वो ज्यादा हो सकती है, इसलिए सिग्नल लगाए जाते हैं। तो सिग्नल के कलर आपको पता है, कितने कलर होते हैं सिग्नल में याद करो, लाल कलर होता है, हरा होता है, पीला होता है ना। लाल कलर क्या सिग्नल देता है बेटा, क्या बताता है लाल कलर, रुको, रुकने का सिग्नल देता है। हरा कलर आगे बढ़ो, और पीला कलर वेट करो, वेट करो, ऐसा सिग्नल हमें मिलता है। और देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बस कैसी है, बस भी डबल मंजिल दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ ऐसी बसेस है क्या,
नहीं है, लेकिन शहरों में इस प्रकार की जो बसेस है वो रहती है, क्योंकि लोग ज्यादा रहते हैं ना शहरों में, इसीलिए एक समय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वह अपने अपने स्टॉप पर पहुंचाती है। देखिए यहाँ पर ये क्या है दिखाई, फुटपाथ है, सिग्नल के पास फुटपाथ दिखाई दे रहा है ना। जब हमें पैदल जाना रहा तो पैदल जाने वाले लोग ये फुटपाथ से जा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, फव्वारा है बड़ा सा, फाउंटेन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस प्रकार के जो फव्वारे हैं यहाँ पर बीचों बीच लगाए गए हैं। और क्या दिखाई दे रहा है बेटा, और बड़े बड़े जो लाइट है वो लाइट भी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जिसे हम कहते हैं, है ना, लोग जो है अपने अपने साइड से चल रहे।